नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर आपके लिए, जैसे कल अनाउंसमेंट किया था हम लोगों ने कि आरआरबी की प्रैक्टिस कराने वाले हैं, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम, जैसा कि टेंडर नोटिस के नोटिफिकेशन देने के बाद ये क्लियर हो गया है कि बहुत ही जल्द जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, परंतु फिर भी हमारे पास 2 से 2.5 महीने का भी समय बाकी है। सो दोस्तों, हम इस 2 से 2.5 महीने के समय में मैं चाहता हूं कि आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त हो जाए। वैसे तो आप लोगों ने साल भर तैयारी करी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि अंतिम पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी किरण पब्लिकेशन की जो बुक है, उसके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। डेली एक सेट हम लोगों को सॉल्व करना है, डेली 1 से 2 सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये देखिए 45 सेट्स हैं, 45 सेट हैं, तो इन 45 सेट्स को हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल तैयार हो जाइए आप, क्योंकि आपको जो है और किरण पब्लिकेशन का जो ऑनलाइन सीबीटी होने वाला है, उसके लिए हम लोग इस प्रैक्टिस बुक का एक एक क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है किसी भी प्रकार की क्वेरी करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 9121815869, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये सेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ समय बाद आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसमें जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बिना देर किए हुए फटाफट शुरू करते हैं दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है कि एनटीपीसी की तैयारी जो है आपकी वो हो, क्योंकि ये बहुत लंबे समय बाद एग्ज़ाम जो है आपका आ रहा है। 2015 के बाद जो है अब ये एग्ज़ाम जो है सामने आ रहा है, तो आपको इसके लिए पूरे जी जान लगा देना चाहिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, 2/12/2012 का है। और इसका जो क्वेश्चन, पहले हम ये जो सेशन है ये जीएस का है, जनरल स्टडी का सेशन है, तो इसमें जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए हैं पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद जो है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है इसमें जीएस, रीजनिंग और मैथ्स ही आती है, तो इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। सो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जीएस का पार्ट है, तो जाहिर सी बात है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कारण यहाँ पर उस समय के जो तत्कालीन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो इसमें आए होंगे, उसको हम लोग स्किप कर देंगे या प्रेजेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से उसको रिप्लेस करके पढ़ेंगे, ठीक है? इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 56 में आप देख पा रहे होंगे लिखा है, किस स्थान पर परमाणु संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम संशोधन पर विचार कर रही है। सो ऑब्वियसली बात है, ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2012 का, तो हम लोग इसको स्किप करेंगे, इसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं, लिखा है 2012 विंबलडन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। सो ये भी 2012 का है, लेकिन इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, करंट क्वेश्चन रिप्लेस करेंगे। विंबलडन ओपन के लिए सबसे पहले क्वेश्चन यहां पर दोस्तों नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, ध्यान करते चलिएगा। इस वीडियो को पॉज करके आराम से आप सेट पेपर, नोट पेपर लेकर बैठ सकते हैं आराम से इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं इसका क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, इसको करंट क्वेश्चन किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विंबलडन ओपन 2020 में कब होने वाले हैं। तो दोस्तों, जून से जुलाई के बीच में 2020 के विंबलडन ओपन होंगे, ठीक। साथ ही साथ लास्ट जो विंबलडन हुआ है 2019 में, अगर हो सकता है कि उसमें, जैसे यहाँ पर इसी क्वेश्चन को एग्जिट इज अगर रिप्लेस किया जाए, तो इसमें पूछा गया 2012 के विंबलडन में पुरुष एकल खिताब, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर 2019 का विनर कौन था पुरुष एकल खिताब में। तो 2019 में ये खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता था दोस्तों? नोवाक जोकोविच। तो आपको ध्यान रखना है कि नोवाक जोकोविच इसका जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये 2019 के लिए, ठीक है। और सिमोना हेलेप जो है ये महिला एकल खिताब इन्होंने जीता है, ये भी ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब विंबलडन ओपन की बात हुई है तो उसके बारे में बता दे रहा हूँ। 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं 4, और 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स में सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो विंबलडन होता है, दूसरा ग्रैंड स्लैम जो होता है यूएस ओपन होता है, तीसरा ग्रैंड स्लैम जो होता है वो फ्रेंच ओपन होता है, और चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। सो दोस्तों, यहां पर आपको इसका क्रम भी पता चल गया और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पता चल गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में। 58 हम लोग जो है यहां पर अगर देखें 58 के बारे में, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, 58 नंबर में एक क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहां पर, हाल ही में चर्चित हो रही ओबलापुरम स्थित है,
तो ये तो उस समय की बात है 2012 की, इसको फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन से रिप्लेस कर देते हैं। आपको मालूम होगा दोस्तों अभी हाल ही में सोनभद्र जो है बहुत ही फेमस हुआ था इसी प्रकार से, जैसे यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन रिप्लेस कर दे रहा हूँ, हाल ही में चर्चित हो रहे सोनभद्र जो है वो किस कहाँ पर स्थित है, सोनभद्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर आप शायद बता पाएंगे। इसका आंसर है बेटा सोनभद्र यूपी के, यूपी में स्थित है, यूपी का एक जिला जगह है सोनभद्र। और ये अभी हाल ही में बहुत ही न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ से बहुत ही बड़ी मात्रा में सोने की खदान जो है वो मिली है और सोने के अयस्क जो है यहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। तो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सोनभद्र कहाँ है, तो सोनभद्र यूपी में। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। लंदन ओलंपिक 2012 के गेम में निशानेबाजी में किसने सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो यहां पर तो बात हो रही है ओलंपिक 2012 की, मैं आपको यहां पर इस क्वेश्चन को रिप्लेस कर सकता हूं और रिप्लेस करके मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बताइए 2020 2020 में होने वाले समर ओलंपिक जो है, 2020 में होने वाले समर ओलंपिक जो हैं वो कहां पर होने वाले हैं। तो 2020 के समर ओलंपिक, 2020 के समर ओलंपिक होंगे बेटा टोक्यो में। कहां होंगे, टोक्यो में। हालांकि इसमें जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी डाउट हो रहा है कि ये ओलंपिक्स हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, जैसा कि आपको मालूम है कि चीन के वुहान से कोरोना वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो जापान तक भी गया है ये, तो जापान भी इफेक्टेड है, तो अब इस पर संकट के बादल गहराए हुए हैं। देखते हैं ये गेम होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ मैं बात करूं तो पिछला ओलंपिक जो हुआ था वो 2016 में हुआ था। 2016 का बेटा जो ये ओलंपिक हुआ था, 2016 का जो ओलंपिक हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है ये कहाँ हुआ था। तो 2016 का ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और रियो डी जेनेरियो जो है ये कहाँ है, ब्राजील में है। ठीक है, तो 2016 के ओलंपिक के क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, 2012 के अगर यहाँ पूछे गए तो इससे क्लियर हो रहा है कि ओलंपिक का क्वेश्चन आ सकता है। और अभी 2016 के बाद 2020 में ओलंपिक होने वाले थे टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो जापान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। सीमेंट के उत्पादन में कौन सा प्रदेश आगे है, क्वेश्चन नंबर 60 है। तो ये जिस समय का क्वेश्चन है उस समय के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार। आपको मैं बता दूं इस समय सीमेंट के उत्पादन में जो सबसे अग्रणी प्रदेश है, सीमेंट के उत्पादन में सबसे अग्रणी प्रदेश इस समय आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर गुजरात है। तो आपको ये क्रम नोट कर लेना चाहिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ दोस्तों, आपको इसको क्या कर लेना चाहिए, रिप्लेस करके याद कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, क्वेश्चन नंबर 60 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पर सबसे ऊपर लिखा है साउथ वेस्टर्न रेलवेज का मुख्यालय, कार्यालय कहाँ है, साउथ वेस्टर्न रेलवेज का मुख्य कार्यालय कहाँ है। दोस्तों हमारे पास में आपको मैं बता दूं कि जो डिफरेंट टाइप के जो रेलवे जोन्स हैं, जो कुल टोटल जो रेलवे जोन्स हैं, उनमें से किसी भी रेलवे जोन का मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे साउथ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है यह है हुबली। 2003 में इसको मुख्यालय बनाया गया था, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बनाया गया था 1 अप्रैल 2003 को, और तब से जो है ये काम कर रहा है। तो इसका जो है आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा आंसर नंबर 2। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा बेटा, आंसर नंबर 2। ठीक, ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में आपको यहां पर दिख रहा है, पूछा गया है प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष है, क्या है प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा पृथ्वी द्वारा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरियां इससे नापी जाती हैं और खगोलीय दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का हम लोग यूज करते हैं। सो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है, पशुओं की आबादी वाला सर्वाधिक देश जो है वो कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पे भारत, चीन, यूएसए एंड डेनमार्क। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। किस देश में सर्वाधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 63 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 60 माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 63 पे हम लोग पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 63 में सबसे अधिक पशुओं की आबादी जो पाई जाती है वो आपको करेक्ट आंसर इसका होगा चाइना। आज के आंसर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है चीन। चीन जो है सबसे ज्यादा जानवरों की आबादी वाला देश है, लेकिन दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो जानवर हैं वो भारत के पास हैं। ठीक है, और यही बात ह्यूमन सेंसेक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भी है, चीन में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या भारत में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा
चाइना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 के बाद 67 में चलते हैं, 64 में चलते हैं। 64 में यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कौन दो बार लगातार राष्ट्रपति बना। यहां पर क्वेश्चन नंबर 64 को अगर आप देखें तो इसमें लिखा है कौन दो बार लगातार राष्ट्रपति बना। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक या दो, दोनों। तो यहां पर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लगातार दो बार राष्ट्रपति बनने का मौका मिला था। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 से इन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो संभाला था और इनका फाइनलाइज जो रिटायरमेंट हुआ है वो 1962 में हुआ था, 1962 में हुआ था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनके दो लगातार कार्यकाल हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा है कौन सा मौलिक अधिकार था अब वह कानूनी अधिकार रह गया है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, मैं ऑप्शन नंबर 2 इसके आगे वाली स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपको इस स्लाइड में देखने को मिलेगा, देखिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, राइट हैंड साइड ऊपर से देखिए, यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, तो ये संपत्ति का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा अधिकार है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर जो 61 था जिसका क्वेश्चन यहां पर किया गया था कि कौन सा अधिकार है जो अब केवल कानूनी अधिकार रह गया है, तो बेटा संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर दिख रहा है, ये केवल कानूनी अधिकार रह गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब अभी भी हमारे मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल हैं। आप चाहें तो इनके कह सकते हैं कि अनुच्छेदों को भी याद कर सकते हैं, इनके अनुच्छेदों को जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कभी भी। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो है इनमें से बता दे रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहले स्वतंत्रता का इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, स्वतंत्रता का अधिकार, तो मैं बता दूँ स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से लेकर के 22 के बीच में है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 25 से लेकर के 28 के बीच में, और उस 25 से लेकर के 28 के बीच में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो अशोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद 24-25 में है। तो इस प्रकार से आपको जो है ये डिफरेंट टाइप के जो शोषण के अधिकार जो थे वो भी आपको पता चल गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये अभी कंप्लीट हुआ है, 65 कंप्लीट हुआ है, 66 देखना है हम लोगों को, ये 66 नीचे दिखाई दे रहा है। तो चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है पिछले 10 वर्षों के दौरान किस देश का भारत में सबसे बड़ा FDI रहा है, FDI मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो किसका रहा है ये आपको बताना है। ये तो उस समय के क्वेश्चन के हिसाब से अगर पूछा जाए तो ये आंसर यहाँ पर है, लेकिन मैं प्रेजेंटली बता दूँ 2017-18 के अकॉर्डिंग अगर जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो FDI जो है सबसे ज़्यादा मॉरिशस का है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन डेटा इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये किस कंट्री का है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो मॉरिशस है। आज के समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो मॉरिशस ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 का। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का एब्रीविएशन क्या है, यानी पैन का फुल फॉर्म क्या है। तो पैन का फुल फॉर्म है पी स्टैंड्स फॉर परमानेंट, ए स्टैंड्स फॉर अकाउंट एंड एन फॉर नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 67 का, करेक्ट आंसर होगा 1 परमानेंट अकाउंट नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 68 लिखा हुआ है। 68 नंबर क्वेश्चन में यहां पर क्वेश्चन किया गया है, 68 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन किया गया, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात स्थिति का उल्लेख है, यानी कितनी प्रकार की आपात स्थिति, आपातकाल जो है भारत में संविधान के अनुसार लगाया जा सकता है। तो यहां पर 1, 2, 3 और 4 करके ऑप्शन है, तो मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर है 3। भारत में 3 प्रकार की आपात स्थिति हो सकती है। सबसे पहली तो हो सकती है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 अनुच्छेद जो है उसमें भारतीय संविधान में ये व्याख्या की गई है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है विभिन्न कारणों से। उसके बाद दूसरा जो आपातकाल है वो राजकीय आपातकाल होता है, या उसको हम राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं, या संवैधानिक आपातकाल भी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 356 में। और तीसरा जो आपातकाल होता है वो होता है वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 360 के द्वारा।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 69 में लिखा है, वह कौन सा देश है जिसने संयुक्त तौर पर वर्ल्ड कप क्रिकेट की मेजबानी की और वर्ल्ड कप जीता? तो ये भी उस समय के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की तरह ही है। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है डेली बेसिस पे। चलिए आगे इस क्वेश्चन के से पैरल क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। अभी जो रिसेंटली जो हुआ है वर्ल्ड कप हुआ है, वो रिसेंटली वर्ल्ड कप 2019 में हुआ था, और 2019 में ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड के वेल्स में हुआ था और इंग्लैंड ही इसे जीता था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि 2019 के वर्ल्ड कप क्रिकेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जी सकते हैं। आपसे पूछा जाए रनर अप कौन था, तो रनर अप थे इसमें न्यूजीलैंड, यानी कि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा करके ये वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता था। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। लिखित में से किसे व्यावसायिक फसल के तौर पर माना जाता है? यहाँ पर व्यावसायिक फसल को आप जो है कह सकते हैं कि नकदी फसल के रूप में भी पढ़ सकते हैं। नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप क्रॉप के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं कॉफ़ी, चाय, रबड़, और ऑप्शन है ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी, कॉफ़ी, चाय और रबड़। ये दोनों तीनों जो है नकदी फसल हैं और तीन के तीनों को जो है व्यावसायिक फसल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन था या कौन थे? तो ऑप्शन है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, महात्मा गांधी एंड सीवी रमन। देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कि भारत रत्न जो है 1954 में मिले थे, 1954 में, और 1954 में जो भारत रत्न मिले थे वो तीन लोगों को एक साथ मिले थे, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर सी वी रमन। तो यहाँ पर सी राजगोपालाचारी और एस राधाकृष्णन का नाम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वी रमन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सी राजगोपालाचारी और राधाकृष्णन जी को भी मिला था भारत रत्न पहली बार। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिखा है, तो जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में भारत रत्न मिला था, और गोविंद वल्लभ पंत जी का नाम यहाँ पे लिखा है तो इनको भी भारत रत्न अवार्ड मिला है 1958 में। और एक बात और यहाँ पर, महात्मा गांधी जी का नाम है, महात्मा गांधी जी के बारे में आप ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी जी को अभी तक भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, एक तो रीज़न ये हो सकता है कि महात्मा गांधी जी की डेथ हो गई थी, और दूसरी बात यह कि मरणोपरांत जो है पहले भारत रत्न नहीं दिए जाते थे, ठीक है, और बाद में परंपरा शुरू हुई, लेकिन बाद में महात्मा गांधी जी का जो कद है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि संभवतः लोगों का मानना है कि भारत रत्न से कहीं ज़्यादा बड़ा एक अवार्ड है जिसको हम राष्ट्रपिता कह सकते हैं, तो वो किसी अवार्ड के कह सकते हैं कि उनकी उनको अवार्ड की किसी की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से उनको जो है कोई भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया, वो सर्वोच्च है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ पढ़ते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और 72 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, नांग करेम किसका जो है वो नृत्य है? तो नांग करेम जो है ये खासिया, गारो, जयंतिया और नागा, ये चार जो है जगहें लिखी हुई हैं, इसमें से करेक्ट आंसर जो है खासिया। खासिया जो है एक पहाड़ी है नागालैंड में, मेघालय में। तो मेघालय में तीन पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों जो है वो नागालैंड की पहाड़ी हैं। लेकिन यहां पर नृत्य पूछा गया है, तो अहम नृत्य जो है ये खासिया का है, ठीक है, खासिया जनजाति का के लोगों का ये अहम नृत्य है। गारो पहाड़ी के नीचे गारो जनजाति, जयंतिया पहाड़ी के नीचे जयंतिया जनजाति, और खासिया पहाड़ी के नीचे खासिया जनजाति पाई जाती है। बाकी आगे नागा जनजाति लिखी हुई है, तो नागा जनजाति नागालैंड के नागा हिल्स के नीचे पाई जाती है, ठीक है। तो 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खासिया। 73 की तरफ बढ़ते हैं, लिखा है, नाट्यशास्त्र जो हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख पुस्तक है, किसने लिखी है? तो नाट्यशास्त्र की रचना जो है वो बेटा करी गई थी 73 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नाट्यशास्त्र की रचना जो है वो भरत मुनि के द्वारा करी गई थी। लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं तो उनको भी हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे पाणिनी का नाम है, पाणिनी ने बेटा अष्टाध्यायी नाम की रचना लिखी हुई है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर 4 देखिए, भर्तृहरि का नाम लिखा है, तो भर्तृहरि ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है नीति शतकम। तो नीति शतकम नाम की एक किताब जो है वो भर्तृहरि के द्वारा भी लिखी गई है। तो 73 तक हम लोग कर चुके हैं, 74 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए राइट हैंड साइड में 74 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 74 क्वेश्चन लिखा है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो लेक सुपीरियर है। कौन सी है? लेक सुपीरियर मीठे पानी की या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, और लेक सुपीरियर जो है ये कहां पर है? ये कनाडा यूएसए बॉर्डर पर है, ठीक है, अमेरिका में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, कनाडा यूएसए बॉर्डर पर, क्षेत्रफल के आधार पर ही सबसे बड़ी झील है, ठीक है। उसके बाद लेक विक्टोरिया की बात करते हैं, तो लेक विक्टोरिया बेटा ये अफ्रीका में है,
ठीक, ऑप्शन नंबर 74 के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 74 के ऑप्शन हमने सॉल्व किए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 लिखा, कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती यानी कि एरर को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को बेटा बग कहते हैं, बग। ठीक, तो बग जो है वो गलती को रिप्रेजेंट करता है, वायरस और बिट तो आप जानते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा हुआ है, 76 में क्वेश्चन नंबर 76 में क्वेश्चन पूछा गया, वयस्क मानव का ढांचा आधारित है, यानी वयस्क मानव के जो ये ढांचा है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? क्वेश्चन सीधे सीधे ये पूछा गया है। तो वयस्क मानव का जो जो हड्डी है उसमें ढांचा जो है उसमें 208 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 208 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, 76 का करेक्ट आंसर है 208। साथ ही साथ एक पैरेलल क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि पूछ लिया जाए अगर बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो बेटा बच्चों के शरीर में 270 से लेकर के 300 तक हड्डियां पाई जाती हैं। तो मैक्सिमम 300 हड्डियां पाई जाती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो हड्डियां जो है वो कम होती जाती हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है उसका शरीर जो है वो ज़्यादा मुलायम होता है, नरम होता है, तो उसको सादे रखने के लिए कुछ प्रकृति की इस प्रकार की संरचना है कि उसके पास में शरीर में हड्डियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। पर जैसे जैसे उसका शरीर मजबूत हो जाता है हड्डी की संख्या कम हो जाती है और हड्डियों की संख्या बचती है 208। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर वातावरण ना हो तो आसमान नजर आता है किस रंग का? काला, सफ़ेद, नीला या तारीख? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर होगा काला। एक्चुअली हमारे जो आसमान यहाँ पर से दिखाई देता है वो वायुमंडल के कणों की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है, और वायुमंडल के कणों की उपस्थिति से क्या होता है, जो सूर्य की प्रकाश जो हमारे पास में आता है वो स्कैटर हो जाता है, उसमें नीले रंग का जो स्कैटरिंग है वो सबसे ज़्यादा होता है। नीले रंग का जो कह सकते हैं कि जो प्रकीर्णन है वो सर्वाधिक अधिक होता है। तो हमको यहाँ से खुला आसमान तो नीला दिखाई देता है पृथ्वी से, लेकिन जब हम अपने वायुमंडल के बाहर चले जाएंगे यानी खुले आकाश में जब चले जाएंगे जहाँ वातावरण ना हो, वायुमंडल ना हो, यहाँ पे वातावरण का मतलब वायुमंडल से, वायुमंडल ना हो, तो वहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से जो प्रकाश है उसका कहीं पर भी प्रकीर्णन नहीं होगा। इनफैक्ट खुले ब्रह्मांड में प्रकाश नहीं मिलेगा आपको, तो वहाँ पर अंधेरा रहेगा यानी कि काला रहेगा वो। ठीक है, चलिए 78 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर पूछा गया, स्टोरेज बैटरीज में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये, और ये देखिए यहाँ पे पूछा ही गया है। 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जस्ता, जस्ता इसका करेक्ट आंसर है 78 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। 78 के बाद 79 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 79, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर आपको दिख रहा है 79, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं? ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने इसकी इसमें गलती करी है या करते हैं। ऑप्शंस के हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति किसको नियुक्त नहीं करते हैं? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है जो पहला वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट के जजेस को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति गवर्नर, राज्य के गवर्नर को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करते हैं। तो फिर आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति तो शपथ दिलाता है, तो शपथ दिलाता है, नियुक्ति नहीं दिलाता है। ठीक है, यहाँ पे शपथ दिलाने का मतलब नियुक्ति से नहीं है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। उपराष्ट्रपति जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड मेंबर है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या लेंगे, 4 लेंगे। वैसे राष्ट्रपति जो है बहुत सारे लोगों की नियुक्ति कराता है, जैसे राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के कहने पर उसके मंत्रिमंडल में तमाम सारे मंत्रियों की नियुक्ति करता है ना, गवर्नर्स वगैरह की नियुक्ति करता ही करता है, वो अटॉर्नी जनरल वगैरह की भी नियुक्ति वही करता है, प्रधानमंत्री अटॉर्नी जनरल की सॉरी राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कैग आपने नाम सुना होगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद के तौर पर किसके प्रति जवाब देता है, यानी एक जो मंत्री है वो मंत्रिपरिषद के तौर पर, इंडिविजुअल के तौर पर नहीं, मंत्रिपरिषद के तौर पर, ये भी अपने आप में बहुत क्वेश्चन अच्छा है। दो क्वेश्चन यहाँ पे पैरेलल बन सकते हैं, एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंत्री जो है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है मंत्री मंत्रिपरिषद के तौर पर किसके प्रति जवाबदेह हो सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 80 है उसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा। सामूहिक मंत्रिपरिषद की बात करी गई तो सामूहिक मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन एक इंडिविजुअल मिनिस्टर की अगर बात करी जाए तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी उसकी जवाबदेही जो है वो राष्ट्रपति के प्रति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया एगमार्क क्या है? अंडों के उत्पादों का एक कोऑपरेटिव है, व्यवस्थित खाद्यान्न बाजार है, किसानों की कोऑपरेटिव है, या फिर एक ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा होगा 81 में, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, इसमें इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे अंडे, घी आदि की क्वालिटी गारंटी क्वालिटी की मोहर। तो 81 का आंसर नंबर 4 जो है वो सही है, इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जैसे अंडे, घी आदि की क्वालिटी की गारंटी की मोहर है ये, एक मार्क जो है वो एक तरीके की मोहर है जो ये शुद्धता को शो करता है, गारंटी देता है। 82 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेटा
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ये स्थित है आपका बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है इमेजिंग इंडिया आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी, ये नामी किताब है, बहुत ही फेमस किताब है, क्वेश्चन नंबर 83 जो है ये बहुत ही नामी किताब है, ये नामी किताब किसने लिखी है, तो उस समय भी काफ़ी फेमस थी, अभी भी ये काफ़ी फेमस किताब है दोस्तों, ये किताब जो है 83 नंबर का हिस्सा जो है इसका करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर है 3, नंदन नीलकड़ी के द्वारा लिखी गई है। नंदन नीलकड़ी के बारे में आप जरूर जानते होंगे, ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, ये इन्फोसिस के कोफाउंडर हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नंदन नीलकरी का करेक्ट आंसर है। ओके, इसके अलावा जो है चेतन भगत का नाम लिखा, तो चेतन भगत की कई सारी किताबें आप याद कर सकते हैं, जैसे 5.1, टू स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, इस तरह की कई सारी किताबें जो है चेतन भगत की हैं। एन आर नारायण मूर्ति की बात करते हैं, तो एन आर नारायण मूर्ति जो है ये भी इन्फोसिस के संस्थापक हैं, और इनकी किताब बहुत ही फेमस एक जो है वो उसका नाम है बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड, बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड, ये किताब किसकी है, ये एन आर नारायण मूर्ति की है। इसके अलावा हम बात करते हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया की, तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है ये योजना आयोग के कभी अध्यक्ष हुआ करते थे। चलिए आगे आगे क्वेश्चन करते हैं बात, राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाने की संभावना है, ऑप्शन देखिए ये बड़ा अजीब से ऑप्शन है, ऊंट, तपन, बालू और पवन, तो पवन की तो बात ही नहीं, यहाँ पर बालू, ऊंट और तपन बचा, तो कई लोग इसमें ऊंट आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर सबसे गौर से देखिए सबसे ज़्यादा मात्रा पूछी जा रही, तो सबसे ज़्यादा मात्रा जाहिर सी बात है बालू की पाई जाएगी। 85 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन सन 1989 में सबसे पहले किसने शुरू हुआ, तो सबसे पहले तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन का आंसर खुद ही क्वेश्चन ही दे रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब से शुरू हुआ, 1989 में, और सबसे पहले किसने शुरू किया, तो इसका करेक्ट आंसर है मेधा पाटेकर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, मेधा पाटेकर, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मेधा पाटेकर जो है इसके करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा बाबा आमटे का नाम लिखा हुआ, बाबा आमटे एक बहुत ही सोशल वर्कर हैं और कुष्ठ रोग के जो रोगी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे काम इन्होंने किए हुए हैं, बाबा आमटे का भी नाम काफ़ी फेमस है। चलिए 85 के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन है, लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेटा होगा लोकनायक की उपाधि जो प्रदान करी गई है ये जयप्रकाश नारायण जी को प्रदान की गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं, अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था, चार ऑप्शन दिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद कासिम, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है 87 का फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो है वो अशोक स्तंभ को दिल्ली ले आया था, अशोक के टोपरा जो अभिलेख हैं स्तंभ हैं उसको ये दिल्ली ले गया था, ठीक है, टोपरा, और अंबाला में भी जो स्तंभ है वो लेकर के चला गया था दिल्ली। 2013 के बारे में यहाँ पे वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 88 में, क्वेश्चन नंबर 88 की बात हम करते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है वर्ष 2013 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, इसके ऑप्शंस बेटा कट गए हैं कोई बात नहीं, 2013 की बात कर रहा तो हमें ये क्वेश्चन वैसे भी रिप्लेस करना है, तो क्वेश्चन नंबर 88 जो है इसको रिप्लेस करते हैं, और 88 को रिप्लेस करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि फीफा का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है, फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2018 में लास्ट फीफा वर्ल्ड कप हुए थे, ठीक है, और उसमें जो विजेता था वो फ्रांस था, ठीक है। इसके अलावा पूछा जा सकता है आपसे कि 2022 के यानी या अगले जो है वर्ल्ड कप जो है वो कब हो सकते हैं, तो दो अगले वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप हो सकते हैं 2022 में, और 2022 में वर्ल्ड कप होंगे कतर में, दोहा की राजधानी कतर में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार करेगा। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी झील दुनिया की सबसे प्राचीनतम और गहरी झील की गहरी ताजे पानी की झील है, तो गहरी और ताजे पानी की झील जो सबसे प्राचीनतम है वो है लेक बैकाल, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लेक बैकाल। इसके अलावा लेक चिल्का का नाम यहाँ पर उल्लेखित है, तो लेक चिल्का जो है ये आपको मालूम है उड़ीसा में, लेक सुपीरियर के बारे में अभी बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं, सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार क्या है, तो सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का जो प्रकार होता है ये क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर नंबर 2 मुंडक, जिसको कैपिटलम बोलते हैं, तो कैपिटलम आकार का प्रकार का होता है ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, कीड़ों में निर्मोचन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो कीड़ों में जो निर्मोचन, क्वेश्चन नंबर 91 जो है निर्मोचन जो है ये एक डायसोन, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है डायसोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 92 में लिखा हुआ है अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है, एपिसेंटर बोलते हैं अधिकेंद्र को इंग्लिश में, तो एपिसेंटर जो है वो रिलेटेड है भूकंप से, भूकंप के केंद्र को, पृथ्वी पर भूकंप के केंद्र को एपिसेंटर मानते हैं, एपिसेंटर कहा जाता है। 93 में तरफ चलते हैं, तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक फल राष्ट्रीय फल है, तो राष्ट्रीय फल के रूप में किसे माना जाता है, आम को माना जाता है बेटा, राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम, मैग्नीफेरा इंडिका जो है इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, या कह सकते हैं वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। 94 की तरफ बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो अधिकतम लोगों द्वारा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो चीनी मैंडरिन है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो चाइनीज हो जाएगा। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर बेटा 95 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें लिखा है तुलसीदास इसके लेखक थे। तुलसीदास ने किसका लेख लिखा था? तुलसीदास जो है उन्होंने इनमें में से रामचरितमानस की रचना करी है, तो यहाँ पर रामचरितमानस इसका करेक्ट आंसर होगा। 95 का क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर 1 सही होगा। इसके अलावा आदि ग्रंथ लिखा हुआ है, आदि ग्रंथ जो है वो सिख धर्म में पांचवें गुरु अर्जन देव जी के द्वारा लिखा गया था आदि ग्रंथ। उसके बाद सूरसागर की बात करते हैं, तो सूरसागर जो है ये लिखा गया है सूरदास के द्वारा। 96 में चलते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 96 में सिक्कों के अध्ययन के बारे में पूछा गया, तो सिक्कों का अध्ययन जो कहलाता है वो होता है न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा आर्कियोलॉजी लिखा है, आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान को बोला जाता है। हिस्टोरियोग्राफी लिखा हुआ है, हिस्टोरियोग्राफी जो है वो इतिहास शास्त्र को बोला जाता है। इतिहास के कालक्रम को पढ़ने का जो तरीका है उसे हम लोग इतिहास लेख कह सकते हैं या इतिहास शास्त्र कह सकते हैं, हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं उसे। और एपिग्राफी जो होता है इसको हम लोग शिलालेख के रूप में जानते हैं, ठीक है, एपिग्राफी यानी कि शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, सूखी बर्फ इनमें से क्या है? तो सूखी बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है, सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नायनार, नायनार जो है वो किससे संबंधित है? तो नायनार जो है वो संबंधित है शैव संप्रदाय से, शैव संप्रदाय के जो संत होते हैं उनको नायनार बोला जाता है, ठीक है, नायनार। 99 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, लिखा है उस सूफी संत का नाम बताइए जो मुगल शहंशाह अकबर से संबंधित है। तो मुगल शहंशाह अकबर से संबंधित जो सूफी संत हैं उनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। तो ये बहुत ज़्यादा शेख सलीम चिश्ती को मानते थे, इन्होंने अपने बेटे का नाम भी इन्हीं के नाम पर सलीम रखा हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने इनकी दरगाह पर, जहाँ पर इनकी ये शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ये फतेहपुर सीकरी में है, तो सीकरी पहले इसका नाम हुआ करता था और बाद में नाम बदल करके फतेहपुर सीकरी अकबर ने किया था, और यहीं पर इसने इनके लिए बुलंद दरवाज़ा अपनी गुजरात विजय के बाद जो है वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा भी लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 100 और आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पूछा है दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या शेरशाह? तो दीवाने खैरात और बहुत सारे इस तरीके के डिपार्टमेंट को फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था, और फिरोज शाह तुगलक को यहाँ पर कह सकते हैं कि सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को, ये भी ध्यान रखना है। इसके ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन में दिया हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। सो दोस्तों, ये थे आपके पहले सेट, आज हमने दिखाया आपको पहला सेट जो है वो इसके क्वेश्चन से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस तरीके की चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो हम लोग इसको जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। दोस्तों, आपको ये सेशन आपका कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।